पता चले अवतार अभी ना बन जाए। खाओ सुबह सब मिल के आके खाओ मजे से, 10 बच्चे बच्चे खाओ बिल्कुल टेस्टिंग लगेगा। जी मैं खाना खा के आया हूँ फिर भी खा रहा हूँ, स्वाद मुँह के ले रहा हूँ, दिन भर मस्त रहेंगे, दिन भर मस्त रहेंगे। सबसे पहले मैं जानता नहीं था लिट्टी चोखा होता क्या है, जब यूट्यूब के फूड ब्लॉग्स में देखता था, बस ये था कि हाँ भाई बाहर जाएंगे जहाँ मिलता है वहाँ पे आएंगे, आने वाला होता है 10-10 में 12-12 को खा जाते हैं। बोलो बी, बी। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। बिहार की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस डिश है जो कि हम आए हुए हैं भैया के पास जो पीछे लगाते हैं लिट्टी चोखा, तो चलते हैं खाते हो बताते हैं कैसा लगा हमें टेस्ट। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया सर। बढ़िया भैया, आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक कुमार, और कहाँ के रहने वाले हो भैया? बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार। यहाँ पे कितना टाइम हो गया भैया आपको? मैं तो 2 साल से दुकान लगा रहा हूँ। 2 साल से। इसके बारे में बताओगे आप कैसे बनता है ये सट्टू? अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, मंगरेला, अजवाइन सब डाल के मिश्रण किया जाता है सत्तू में। सट्टू में? हाँ। ये है सट्टू है ना? हाँ। अच्छा कल भैया बता रहे 3 आदमी 20 लिट्टी चोखा खा के गए। कहीं रहने वाले थे, चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे से मंदिर जा रहे थे। अच्छा, तो ये है लिट्टी है और ये सत्तू इसके अंदर डला रहता है। लिट्टी के अंदर? लिट्टी के अंदर। और क्या क्या चीज़ें दिखाने पर? ये चोखा, आलू बैंगन टमाटर का, आलू बैंगन टमाटर का है, और 2 चटनियाँ, हरी वाली लाल वाली, हरी वाली लाल वाली, धनिया के टमाटर का। अच्छा, मिला के बनाते हुए। खाने वाला को भी फोटो लीजिएगा। नहीं 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 भाई, गजब मामला, बहुत गजब गजब, और मजा आ गया। अरे भाई साहब, ये तो मिट गई कम से कम। हाँ, कैसा लग रहा है अंकल जी? मैं तो रोज खाता हूँ। डेली खाते हो? 365 दिन ऐसे खाना खा कर निकलूंगा, यहाँ खा के ही जाऊंगा। अच्छा, मतलब खाना खा के निकलते हो या रुकते हो, नाश्ता करते हो फिर आगे जाते हो? कुछ लोग बस सामने को आए। नहीं कि भूखा खाता हूँ, नहीं, घर से भरपेट खाना खा के आने के बाद ही खाता हूँ यहाँ। स्वाद मतलब बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। कितने का देते हो भैया लिट्टी चोखा आप? 20 रुपये प्लेट। खाओ सुबह सब मिल के आके खाओ मजे से, 10 बच्चे खाओ बिल्कुल टेस्टिंग लगेगा। ये क्या, 2 लिट्टी खाने से आदमी दिन भर पुष्ट रहता है, थोड़ा पचने में टाइम लगाता है। अच्छा अच्छा, मतलब पेट भरा भरा रहता है? हाँ, भरा भरा रहता है, थोड़ा पानी पिलाएगा, दिन भर लगेगा कि हाँ कुछ खा के आए आए हैं। अब कोई बात नहीं है, अब टेस्टिंग भी थोड़ा, मुंह का स्वाद भी, मतलब बढ़िया। सुबह आओ भैया के पास, नाश्ता करो और पूरे दिन अपना काम करो मजे से। अभी मैं खाना खा के आया हूँ फिर भी खा रहा हूँ, थोड़ा स्वाद मुँह के ले रहा हूँ, दिन भर मस्त रहेंगे, दिन भर मस्त रहेंगे। कैसे लग रहा भैया आपको? भैया बहुत बढ़िया लग रहा है। 2 साल से पहले मैं जानता नहीं था लिट्टी चोखा होता क्या है, सिर्फ यूट्यूब के फूड ब्लॉग्स में देखता था, बस ये था कि हाँ भाई बाहर जाएंगे जहाँ मिलता है वहाँ पे आएंगे। उसके बाद मैं एक दिन बस रास्ते में निकलते हुए देखा था, उसके बाद जब से खाने लगे ना टेस्ट इतना बढ़िया लगा कि खाते हैं। हम इसे बाटी जानते थे, इसके अंदर सत्तू की भी लिखा पता नहीं था क्या होता है, हम सिर्फ दाल बाटी जानते थे कि बाटी और दाल लिया, फिर इसके साथ चौकी के साथ चालू किया कि हाँ भाई लिट्टी चोखा ही होता है, उसके बाद इतना बढ़िया लगता है, रोज आते हैं। रोज जाते हुए पतंग उड़ाने से पहले नाश्ता तो होना चाहिए ना, ऐसा बढ़िया कि जैसे एनर्जी मिले। हाँ भैया सही बोल रहे हैं, नाश्ता तो एनर्जी वाला होना चाहिए। नहीं एकदम खाए एक बार। अच्छा अच्छा, बीपी के अंदर कैसा लग रहा है टेस्ट? बढ़िया। अच्छा, भवरी इसी को बोलते हैं? भवरी भी या भवरी अलग होती है? नहीं इसी को बोलते हैं, इसी को भवरी ही बोलते हैं। अरे ये भी देख लो। मेरे को टाइम हो गया कम से कम, मान लो 3-4 महीने तो रेगुलर आ रहे हो? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया, मेरा नाश्ता हो जाता है यहाँ क्लास। ए1 ए1, कोई दिक्कत नहीं, और क्या।
लगाओ भी अब प्लेट हमारा भी गर्मा गर्म। ये चौथा चटनी वो तो देखी ₹20 की प्लेट खिला रहे हैं भैया, जिसमें लिट्टी चोखा और लिट्टी एकदम घी वाली है। आप थोड़ा टेस्टिंग लेके चलो कैसी है अंकल जी, पास में जाना अंकल जी बोले खा के सामने बताओ कैसा लगता है। सामने खा के बताते हैं। कितना टाइम हो गया अंकल आपको आते हुए यहाँ पे, कितना टाइम हो गया? जब से खोला तब से मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा बिल्कुल, क्योंकि मेरे गांव का लिट्टी है, मेरे खाने में बहुत पसंद आता है। अच्छा यूपी से हो आप? बिहार। बिहार से? हाँ। बिहार में कहाँ पे? पकड़ा। बढ़िया है, कैसा लग रहा है? दम है अंकल जी चीज में? यहाँ चीज में दम है थोड़ा, मतलब गरम गरम खाओ टेस्टिंग मजा दो। सही है, ठंडा होने के बाद फिर कोई टेस्टिंग नहीं है। मजा आ गया अंकल जी खा के। ये बिहार का लिट्टी चोखा होता है, ये है चोखा, ये होता है लिट्टी, लिट्टी होता है लिट्टी के अंदर, इसके अंदर सत्तू की स्टफिंग होती है। बिहार का बहुत ही फेमस नाश्ता है दोस्तों, बिहार का बहुत ही एनर्जेटिक नाश्ता ही है। जो भी खा रहे हैं उसमें अलग ही लेवल की एनर्जी आ रही है। एक नंबर है ये लिट्टी चोखा, इसका जो स्वाद है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है, चटपटा है। और थोड़ी देर रखें भैया ने प्याज, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लिट्टी, सॉफ्ट सॉफ्ट चोखे के साथ ट्राई करेंगे। कैसा लग रहा है बापू? गर्दा उड़ा दिया भाई साहब भैया ने, तो भैया ने गर्दा उड़ा दिया है। गजब भाई साहब, गजब का स्वाद आ रहा है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ऐसा लिट्टी चोखा। चौके के अंदर भैया ने चटनियाँ डाल के रखी, उसका भी एक टेस्ट आ रहा है, थोड़ा स्पाइसेस भी प्रॉपर फील हो रहे हैं। और लिट्टी के अंदर जो भैया ने स्टफिंग कर रखी है सत्तू की, उसका भी बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। और भैया ने चटनियाँ डाल रखी ना, उसका तो फ्लेवर ही अलग है। मतलब इतनी ठंड में जहाँ पे कोरा कोरा हो रहा है, है? और ये मिल जाए एकदम गर्मा गर्म डिश, तो क्या बात है। तो दोस्तों लिट्टी चोखा तो भाई ओए होए होए है, इतना शानदार जो इसका चोखा है, उसके अंदर दो तरह की चटनी डाली गई है, जिसके प्रॉपर स्पाइसेस फील हो रहे हैं और एकदम चटक मटक है स्वाद, एकदम चटक मटक। एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों, अगर आप यहाँ आना हो ना आपका सिक्कर रोड जयपुर में, सीटीएस हॉस्पिटल के सामने भी लगाते हैं। टाइमिंग है सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक, जरूर ट्राई करना है एक बार भैया का लिट्टी चोखा। और इसको भैया ने सेक भी एकदम प्रॉपर तरीके से रखा है, जो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से कुछ कच्चा है या कुछ, एकदम परफेक्ट तरीके से सेक रखा है, अंदर तक पूरा सिका हुआ है। अलग ही चीज़ है भाई, ये तो अलग ही चीज़ है, अलग ही है, लल्लन टॉप। गुजराती इंदौरी के बाद और बिहारी जो नाश्ता ट्राई किया ना, लेवल ही अलग है। खा के एनर्जी आ रही है, ठंड गायब हो गई, पूरा गर्दा उड़ा रखा है। ये प्लेट है ₹20 की और बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अल्टीमेट इसका स्वाद है, मज़ा ही आ गया खा के। हमारे छोटे छोटे दोस्त आ रहे हैं दोस्तों मिलने के लिए। कैसे हो? लिट्टी चोखा खाओगे? लो खा लो, एक इनको भी देना भैया, जाओ जाओ ले लो। बच्चों का मन हो गया था देख के। चलो बोलो ए, ए। बोलो बी, बी।
ठीक है। कैसा लग रहा है खाने में? मजा आ रहे हैं? ये भी रहते हो तो बिहार के हो? लिट्टी चोखा खाते हो? कैसा लगता है? बढ़िया। कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हो? 7 बजे से 3 बजे तक। 7 बजे से 3 बजे तक का टाइम है आपका। यहाँ का एड्रेस बता दो भैया, पूरा एड्रेस बता देना। सीकेएस हॉस्पिटल के सामने 6 नंबर विश्वकर्मा जयपुर। जयपुर मजा आ गया भैया आपसे मिल गया। तो दोस्तों हमें सुबह सुबह का नाश्ता करके तो बहुत मजा आए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाइयों को यादों में याद रखो। हम फिर मिलेंगे एक और नए मजेदार ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।